बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी नाभिक से अगर अल्फा बीटा और गामा कण उत्सर्जित होते हैं तो जो नया नाभिक बनेगा उसके परमाणु गुणांक, द्रव्यमान संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है, मान लो एक नाभिक है एक्स जिसका परमाणु गुणांक जेड है और द्रव्यमान संख्या ए है, तो अब इससे मान लो अल्फा कण निकल रहा है, तो बच्चे अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है, तो अल्फा कण का हीलियम का नाभिक होने के कारण अल्फा कण को आप 2He4 ये लिख सकते हो। और मान लो x से 2He4 मतलब अल्फा कण निकला, अब नया नाभिक मान लो बना y, तो जो y बना है इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो आप बच्चों इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पक्षों के परमाणु क्रमांकों का योग बराबर होना चाहिए और द्रव्यमान संख्या का योग भी बराबर होना चाहिए। जैसे देखो लेफ्ट साइड का परमाणु क्रमांक है जेड, तो इधर का भी कुल जो दो तत्व हैं इन दोनों का जुड़कर परमाणु क्रमांक होना चाहिए जेड। जैसे यहाँ जेड में से दो निकल गया तो यहाँ का परमाणु क्रमांक होना चाहिए जेड माइनस दो, क्योंकि जेड माइनस दो में अगर ये दो जोड़ोगे तो जेड माइनस दो और प्लस दो जुड़कर जेड हो जाएंगे, ये बैलेंस हो जाएगा परमाणु क्रमांक। इसी प्रकार द्रव्यमान संख्या अगर ए है तो इस पक्ष की द्रव्यमान संख्या भी ए होनी चाहिए, जिसमें से देखो चार द्रव्यमान संख्या निकल चुकी है तो यहाँ की द्रव्यमान संख्या होनी चाहिए ए माइनस चार, क्योंकि ए माइनस चार और चार को जोड़ोगे तो ए रह जाएगा। तो इस प्रकार ये नियम बना लो जो अगर किसी भी तत्व से अल्फा कण निकलता है तो अल्फा कण निकलने के बाद जो नया तत्व बनेगा उसके परमाणु क्रमांक में, जो पहले परमाणु क्रमांक जेड था उसमें परमाणु क्रमांक में दो इकाई की कमी हो गई, जब दो घट गया क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक दो है, तो नए बनने वाले तत्व के परमाणु क्रमांक में दो इकाई की कमी आएगी और द्रव्यमान संख्या में चार इकाई की कमी आएगी जब एक अल्फा कण उत्सर्जित होगा। इसी प्रकार जब बीटा कण उत्सर्जित होता है तो नाभिक यही मान लिया एक्स है जेड एक्स है, जेड परमाणु क्रमांक ए द्रव्यमान संख्या, अब बीटा कण का सही सूत्र होता है माइनस वन बीटा जीरो, तो इसी प्रकार देखो रिएक्शन को बैलेंस करो, यहाँ का परमाणु क्रमांक जेड है तो यहाँ का भी कुल परमाणु क्रमांक जेड होना चाहिए, तो बाई का परमाणु क्रमांक बनना चाहिए जेड प्लस वन, क्योंकि देखो जेड प्लस वन में ये माइनस वन जोड़ोगे तो जेड प्लस वन और माइनस वन जोड़कर जेड हो जाएगी, और द्रव्यमान के इधर ए है तो इधर ए होनी चाहिए, तो इधर जीरो है तो जीरो में आप जोड़ो ए, तो ए और जीरो का जोड़ ए और जेड माइनस वन और माइनस वन का जोड़ भी ए। तो इस प्रकार जब बीटा कण निकलेगा तो जो नया तत्व बाई बना उसके देखो परमाणु क्रमांक पहले जेड था अब हो गया जेड प्लस वन, इसका मतलब बीटा कण निकलने पर परमाणु क्रमांक एक इकाई बढ़ जाएगा लेकिन द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गामा कण उत्सर्जित होता है तो गामा कण बच्चों ऊर्जा युक्त कण होते हैं और ऊर्जा युक्त कणों का ना तो उदासीन होते हैं ना तो इनका परमाणु क्रमांक शून्य होता है और इनकी द्रव्यमान संख्या भी शून्य होती है। इस प्रकार जो नया तत्व बनेगा उसे आप बैलेंस करोगे तो परमाणु क्रमांक भी जेड रहा, द्रव्यमान संख्या भी ए रही, मतलब गामा कण उत्सर्जित होने पर आपके नया बनने वाला जो तत्व होगा उसके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह ध्यान रखना है, अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो जो नया तत्व बनेगा परमाणु क्रमांक में दो इकाई की कमी, द्रव्यमान संख्या में चार की कमी आएगी, बीटा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु क्रमांक एक इकाई बढ़ेगा, द्रव्यमान संख्या बढ़ जाएगी और गामा कण उत्सर्जित होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस पर आधारित ये क्वेश्चन है कि किसी रेडियो सक्रिय नाभिक जेड एक्सिस से एक अल्फा कण फिर बीटा छः फिर अंत में फिर बीटा छः होता है, मतलब एक अल्फा निकल रहा है और दो बीटा निकल रहा है एक एक करके, तो अंतिम नाभिक का परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो उसको कैसे निकालेंगे, नाभिक है जेड एक्स ए, मान लो इससे पहले अल्फा कण निकला माइनस अल्फा करा हमने अल्फा कण निकला, तो बच्चों यहाँ तो नया नाभिक बना मान लो भाई, तो अल्फा कण निकलने से परमाणु क्रमांक में दो इकाई की कमी, तो परमाणु क्रमांक हो गया जेड माइनस दो, द्रव्यमान संख्या में चार की कमी ए माइनस चार हो गए। अब निकाला हमने एक बीटा कण, तो अब बीटा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक एक इकाई बढ़ता है, तो जेड माइनस दो में एक जोड़ो एक बढ़ाओगे तो ये बचेगा जेड
तो यह मान लो जो नया तत्व बना उसका नाम लिख दो, ऐसे इच्छा से मान लो पी लिख दिया, तो परमाणु क्रमांक हो गया जेड माइनस वन, एक इकाई बढ़ गया, लेकिन द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो द्रव्यमान संख्या ए माइनस चार। ठीक है, ये तो अभी एक बीटा निकाला है, एक बीटा और निकाला है, फिर बीटा अंत में एक फिर बीटा निकल सकता, तो फिर एक बीटा का निकाल दिया, तो यहाँ मान लो बन गया क्यू नया तत्व, तो फिर बीटा निकला, तो परमाणु क्रमांक में एक इकाई की वृद्धि, तो जेड माइनस वन में एक और बढ़ाओगे तो रह जाएगा जेड, जेड माइनस वन में एक जोड़ लो तो जेड, और द्रव्यमान संख्या बच जाएगी ए माइनस चार। इसका मतलब एक अल्फा फिर एक बीटा और फिर एक बीटा निकलने के बाद ये जो तत्व बना इसका परमाणु क्रमांक हो गया जेड और द्रव्यमान संख्या हो गई ए माइनस चार। तो अब यही बताना था कि जो अंत में तत्व बनेगा उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो जो अंत में तत्व बना उसका परमाणु क्रमांक है जेड और द्रव्यमान संख्या है ए माइनस चार। ठीक है, अब इसी में बताना है कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। तो बच्चों प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु क्रमांक के, अब बराबर परमाणु क्रमांक कितना है जेड, इसका मतलब प्रोटॉन होंगे जेड। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों के बराबर होती है, अब प्रोटॉन जेड है तो इलेक्ट्रॉन भी जेड होंगे, और न्यूट्रॉनों की संख्या एन बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, ये मैंने आपको बताया था। तो न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक करके निकालो तो द्रव्यमान संख्या है ए माइनस चार और माइनस परमाणु क्रमांक जेड, तो नया जो तत्व बनेगा तो ए माइनस जेड माइनस चार या ए माइनस चार माइनस जेड, ये होगी उसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या। इस प्रकार प्रश्नों को हम हल करेंगे जब हमसे अल्फा बीटा और गामा कण उत्सर्जन से संबंधित सवाल आते हैं। बच्चों अल्फा बीटा और गामा कण के उत्सर्जन से संबंधित कुछ ये रिएक्शंस हैं जिसको कहते हैं निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण करें। तो आपको इसमें क्या करना है, दोनों पक्षों में परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को बैलेंस करके आपको अंदाजा लगाना है कि जो नया तत्व बन रहा है वो कौन सा है, उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा और द्रव्यमान संख्या क्या होगी। जैसे देखो पहला है 1H2+1H3 बराबर बन रहा है 2HE4। अब देखो इसे बैलेंस करो, इसका परमाणु क्रमांक लेफ्ट साइड पर गया 1, 1, 2, तो इधर का जो परमाणु क्रमांक कुल 2 होना चाहिए, तो देखो 1 और 1 2 इधर है तो 2 इसमें आई है, तो इसका मतलब यहाँ जो नया तत्व बनेगा उसका परमाणु क्रमांक होगा 0, क्योंकि 2 और 0 का जोड़ 2, 1 और 1 का जोड़ 2। ठीक है, 2, 3, 5 हो गए, इधर का द्रव्यमान संख्या 5 हो गई, इधर की द्रव्यमान संख्या 5 होनी चाहिए, जिसमें 4 ना आ गई तो यहाँ द्रव्यमान संख्या होनी चाहिए 1। तो देखो बैलेंस करोगे 1, 1, 2 तो 2, 0, 2, 2, 3, 5, 4, 5 इस तरह बैलेंस हो गए। अब यहाँ अंदाजा लगाओ कि ऐसा कौन सा तत्व होता है जिसका परमाणु क्रमांक 0 है और द्रव्यमान संख्या 1 है। तो बच्चों ऐसे तत्व को कहते हैं न्यूट्रॉन, तो ये न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का प्रतीक होता है 0N1, इसका मतलब यहाँ पर जो नया नई चीज बनेगी वो होगी न्यूट्रॉन 0N1। इसी प्रकार ये है देखो 2, 2, 4, तो यहाँ 4 में से 2 आ गए, तो यहाँ पर शेष 2 तत्व बन रहे हैं, इनके परमाणु क्रमांक 2 होने चाहिए, तो 2, 2, 4 बताएंगे, 3, 3, 6, 6 में से 4 यहाँ आ गए, तो यहाँ पर 2 बचे, तो द्रव्यमान संख्या भी 2 बची और परमाणु क्रमांक भी 2 बचा, तो यह होना चाहिए आपका 1H1 और 1H2। तो देखो बैलेंस करके देखो 2 और 2, 4, तो 2 और 1, 3 और 1, 4, तो ऐसे ही 3, 3, 6, तो यहाँ 4 और 1, 5 और 1, 6, ये बैलेंस हो गया। इसी तरीके से देखो इस रिएक्शन को बैलेंस करो, 90 TH थोरियम 232 से बन रहा है 88 रेडॉन 228, और यहाँ जो तत्व बनेगा उसका नाम बताना है, 90 से इसमें देखो 88 आ गए, तो इसका मतलब परमाणु क्रमांक बचा 2 से, तो 88 और 2, 90 तो इधर तक बैलेंस हो गया, 232 में से 228 आ गया, तो यहाँ बचे 4। तो ऐसा तत्व कौन सा है 228 और 4 232 हो जाएंगे,
तो परमाणु क्रमांक दो और द्रव्यमान संख्या चार, तो टू एच ई फोर, ये हो गया हीलियम यहाँ बनने वाला। एच डबल चार और दो छः, यहाँ जीरो है तो यहाँ परमाणु क्रमांक होना चाहिए छः। द्रव्यमान संख्या नौ और चार तेरह, तेरह में से एक आ गया तो यहाँ बची बारह। तो देखो चार दो छः, छः और जीरो छः, नौ चार तेरह, बारह और एक तेरह, और छः परमाणु क्रमांक होता है कार्बन का, इसलिए यहाँ जो तत्व बनेगा वो हो गया कार्बन छः से बारह। ऐसे देखो यहाँ नब्बे में से इक्यानवे आ गए तो यहाँ होना चाहिए माइनस वन, तो मान इक्यानवे और माइनस वन हो गया नब्बे, बैलेंस हो गया। दो सौ चौतीस का दो सौ चौतीस है, इसका मतलब द्रव्यमान संख्या होगी जीरो, तो यहाँ तत्व बनेगा माइनस वन बीटा जीरो। इस प्रकार आपको पहचान करनी है। ऐसी ये है देखो, पाँच जीरो पाँच, यहाँ दो आ गया तो उसका मतलब यहाँ परमाणु जो होगा उसका परमाणु क्रमांक तीन। दस और एक ग्यारह में से चार आ गए तो चार में हम कितना जोड़ा कि ग्यारह हो जाए तो सात। तो ऐसा परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक तीन होता है तो वो होता है लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक तीन होता है, थ्री एच है। देखो सात और दो नौ, नौ में से इधर नौ पूरे करो एक आ गया तो यहाँ परमाणु क्रमांक होना चाहिए आठ। चौदह और चार अठारह, अठारह में से एक आ गया तो यहाँ बचे सत्रह। तो आठ परमाणु क्रमांक वाला कौन होता है? ऑक्सीजन। तो यहाँ बताइए ऑक्सीजन आठ और सत्रह। ऐसे देखो अस्सी और एक इक्यासी, अब यहाँ इक्यासी पूरे करो सेवेंटी नाइन ही आ गया तो यहाँ होना चाहिए दो। तो सेवेंटी नाइन और दो इक्यासी, अस्सी और एक इक्यासी, दो सौ और एक दो सौ एक, दो सौ एक में से वन नाइन्टी सेवन आ गया तो वन नाइन्टी सेवन में कितना जोड़ेंगे दो सौ एक हो जाए चार। तो वन नाइन्टी सेवन का चार हो गया दो सौ इक्यासी, सॉरी वन नाइन्टी सेवन का चार हो गया दो सौ एक, तो दो सौ और एक दो सौ एक, अस्सी और एक इक्यासी, सेवेंटी नाइन और दो इक्यासी। तो टू और चार वाला परमाणु होता है टू एच ई फोर। इस प्रकार हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, और जब आप बैलेंस कर लोगे बच्चों रिएक्शन को तो परमाणु क्रमांक से और द्रव्यमान संख्या देखकर अंदाजा हम लगा सकते हैं कि नया तत्व जो बन रहा है वो कौन होगा।